आ समय पर प्रणाम दीदी प्रणाम भाई जी कतय लिए भाई जी अही तक गुजरे छल वहां के देखनो बड़ा मेहनत कर रहल छी अखन कोन के छी के तैयारी कर रहल छी भाई जी प्राकृतिक विधि से से भिंडी खेती कर रहल छी प्राकृतिक विधि से भिंडी खेती करबे हां भाई जी ई प्राकृतिक विधि से कोन तरह से कयल जाय छे भाई जी से ई खेती कर रहल हम सब कि से घरेलू सबटा खाद बीज रहै छी

प्राकृतिक विधि से भिंडी खेती करे खेत बड़ा हल्लु देख रहा के जोतवलिए भाईजी में तो चार बे जोतवलिए चार चास ओ नही कि नहीं मैं पांच जोतवा देखते हल्लुक मतलब माइट हल्लु होना चाहिए सह भाई हल्लु तब ना बीज अच्छा की करते भाईजी में घंजीरा मृत खाद छिटक चौकी दी में घंजीरा मृत खादो छिटेत भाईजी तक चौकी दिया दे अच्छा अच्छा दीदी घंजीरा मृत खाद के चर्चा कलिए सही गंजीबा अमृत खा के कहने हमरो दिखा देतो ठीक छे दे 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 अच्छा, दे खाद। हाँ भाई जी हम छिटे लानबे करबे हम दिखा दे छी अच्छा अच्छा नै नै अच्छा दीदी या छे गंजीबा अमृत खाद हां भाई जी या छे गंजीबा अच्छा ये कोना बनबै छी भाई जी तो अपने हम घर में बनबै छी घर में बना लै छी हाँ भाई जी

गाय के गोत छिए गोबर छिए आड़ पर हक छिए गुड़ दी बेसनों दिएटा में पानी हाँ, पानी मिला मतलब तो घरे में बना ले, बना ले हाँ। बहुत बढ़िया खाद अभी घर में बन जाए खर्चो ना बुझाय हां कि बहुत बढ़िया अच्छा दीदी छिए त एकर की फायदा हो एके भाई भाईजी फायदा कि खेत में छिटबे खाद के कि ना तो खेत में हाल बनते हाल अच्छा। से कने उपजा बढ़िया जका देते अच्छा ऐसा हाल हाँ, हाँ, भाई बढ़िया हाँ भाईजी कि ना से खेत में छिटवे अच्छा। हो जीवाणु रहना सूतल से जग जगला के बाद में उपजा बढ़िया जका दें मतलब जमीन के अंदर जीवाणुओं हो गंजीवा में छिटला से जाग जा उपजा बढ़िया, बढ़िया नाजीवा हाँ। हाँ। हाँ अच्छा दीदी हाँ। अभी के फायदा बता तो बता दल तखन केिटबे से जल्दी जल्दी छिटक हरों के ओ बड़ा बढ़िया छिटेरा देखियो भाई जी गंजी हम इतर तक खा छे देलिए अब इ चौकी दिए दे अच्छा इ पर सब चौकी दिए भाई हाँ भाई जी पर सब चौकी दिए ओ

अच्छा सब दीदियों सब खुब दी छाया दीदी सब मिल के खुब दे हां तहन तो जल्दी भयो जल्दी भ जित हां देखियो भाई जी ई आ भिंडी अच्छा, के बिया हाँ। अच्छा ई भिंडी के बिया है छे हां अच्छा दीदी तो बिया त ओकरा ल बुझाइए हां भाई जी अच्छा दीदी ए बिया में अखुआ कोना आले है

तो मतलब दूरी के लिए है, एक फीट दूरी ऐसे तो सीधा दूरी पकड़ा जाए अच्छा भिंडी के गाछ के बीच में आ, एक फीट के दूरी रहना चाहिए दूरी, 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 दूरी क्या रखे एक के। दूरी ऐसी रखे की जो खोबे गाछ सीधा मतलब निकलते और पौधा

अच्छा दीदी दी। हाँ प्राकृतिक विधि से भिंडी खेती कोना कैल ते के बारे में जानकारी बहुत बढ़िया हाँ जे भिंडी के बीज उपचारित होना चाहिए हाँ। छे ने? खेत के तैयारी ढंग से हेबाद चाहिए तो वह घरेलू खाद बनबे घंजीवात कहने हाँ तक प्रयोग होना चाहिए हाँ ठीक हाँ। नाला बनल रहबाक चाहिए छोट छोट क्यारी बनल रहना चाहिए सब चीज़ के जानकारी बहुत बढ़िया भेट गया आ सबसे खुशी के बात है सटा चीज़ घरें से भाई बाजारू खादक प्रयोग नहीं करेगी अच्छा अब हम प्रयास करब प्राकृतिक विधि समूह भिंडी खेती और अनखेती खेती सब करी आ संग संग किसान दीदी भाई जी भेटता इनको सलाह देवें प्राकृतिक विधि से खेती करू। भाई जी। आ अपने से हो किसान दीदी भाई जी के संदेश देवे जरूर दे भाई जी सर किसान दीदी भाई जी के अनुरोध प्राकृतिक विधि से भिंडी खे, के खेती आ ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाऊ I like guess